क्या आप जानते हैं मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते? क्यों मुसलमान सुअर का मांस खाना हराम समझते हैं? क्यों इस्लाम धर्म में सुअर का मांस को खाने की इजाजत नहीं है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी में होने वाली हर एक चीज़, फिर चाहे उठना, खाना पीना, बैठना, फिर कुछ और, सब कुछ दीन इस्लाम धर्म के मुताबिक होता है। अधिकतर मुसलमान इस्लाम धर्म के नियमानुसार कानून के साथ ही चलना पसंद करते हैं, और उनमें से एक सबसे बड़ा नियम सुअर का मांस को ना खाना। यही वजह से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सुअर के मांस से दूर ही रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब इस्लाम धर्म में बाकी जानवर का मांस खाना हराम नहीं बताया गया है, तो फिर सुअर का मांस खाना क्यों हराम बताया गया है? आपको सब ये बात जाननी है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको चौंका देगी, क्योंकि आज हम आपको इस्लाम धर्म की जुड़ी ऐसी बातों को बताने वाले जिसे सुनने के बाद होश उड़ जाएंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज बताया गया है, लेकिन यहाँ कुछ भी लागू नहीं है। जिस तरह इस्लाम धर्म में शराब पीना सही नहीं माना जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में सुअर को मांस खाना ही मना है। अगर हम मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान की बात करें, तो 5:3 के साथ साथ और भी कई आयात के साथ लिए गए हैं, मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। ऐसे में अब कौन जानवर हो जो इसका हलाल हराम बताया गया है? कुरान में इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मरे हुए जानवरों को मांस खाना हराम है। यहाँ मरे हुए जानवरों का मतलब है कि ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, एक्सीडेंट, बीमारी या कुछ भी कारण से मर गया हो, तो ऐसे अगर किसी जानवरों को अल्लाह में पे मारा जा रहा हो तो उसका मांस खाना जायज है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते। तो हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक खत्म, बाय बाय।